नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में भूजल निकासी के लिए तैयार हो रही नियमावली। छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया। बिहार में पैक्सों के चुनाव सही समय पर होंगे आयोजित। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए बीपीएससी कर रही है काम। बिहार में मॉनसून पड़ा कमजोर। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के सिम कार्ड को ऐसे बीएसएनएल में करवा सकते हैं पोर्ट। टी20 में टीम की कप्तानी के लिए इन दो खिलाड़ियों का विकल्प आया सामने। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएचयू में ग्रुप ए और बी के अंतर्गत टीचर्स के पदों पर निकली भर्ती। बीएचयू में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत टीचर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये भर्ती कुल 48 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री, कंप्यूटर नॉलेज आदि हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में भूजल निकासी के लिए तैयार हो रही नियमावली। बिहार में भूजल निकासी के लिए नियमावली तैयार होगी ताकि भूजल संकट को कम किया जा सके। ये नियमावली पीएचडी जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग सहित पंचायती राज विभाग द्वारा मिलकर तैयार की जा रही है। इसके तैयार होने के बाद जिलों में पानी की बर्बादी और अवैध रूप से चल रहे पानी के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। प्रदेश में लगातार हो रहे भूजल गिरावट को देखते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जहां ये बात सामने आई कि बिहार के हर जिले से लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सख्त नियमावली बनाई जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एनएच पर इन वाहनों से होगी पेट्रोलिंग। बिहार में सड़कों पर दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने एनएच पर अत्याधुनिक वाहनों से पेट्रोलिंग करवाने का फैसला लिया है। पेट्रोलिंग के लिए इन वाहनों में 4D स्पीड रडार और कैमरों से लैस होंगे। ये ऑटोमेटिक ही चालान निर्गत करेंगे। साथ ही आपात स्थिति के लिए वाहन में गैस कटिंग मशीन, ट्रैफिक कोन, फोल्डेबल स्ट्रेचर आदि उपकरण भी रहेंगे। कैमरे और रडार से लैस वाहन पर हर 50 किलोमीटर पर गश्ती करेंगे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका ई चालान वाहनों की मदद से काटा जा सकेगा। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए बीपीएससी कर रही है काम। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पेपर लीक मामले को रोकने के लिए एक नई कोशिश करने वाला है। बीपीएससी का ये नया प्रयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में देखने को मिल सकती है। प्रश्न पत्र लीक ना हो इसके लिए कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। इसके अलावा बीपीएससी ने जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी बदल दिया है। साथ ही खबर मिली है कि पुरानी परीक्षा केंद्रों को भी बदले जा सकते हैं। मालूम हो कि तीसरे चरण की परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पटना के डाक बंगला चौराहा के बारे में। पटना में स्थित डाक बंगला के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय में ये जगह एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था बांकीपुर। अब ये पटना में सबसे व्यस्त जगहों में से एक है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ कई तरह के स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। ये पटना के मध्य भाग में स्थित सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र और मनोरंजन के स्थानों में से एक है। ये एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है, जहाँ कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगी। छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया। नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आईपीआरडी बिहार ने कंप्यूटराइजेशन के लिए छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन कराने के लिए आवेदन करने की नई प्रक्रिया की जानकारी दी है। इसके तहत सबसे पहले आपको biharbhumi.bih.gov.in पर जाना होगा और परिमार्जन प्लस पर क्लिक करना होगा। फिर हल्का मोजा चुनकर प्रीपेड एप्लीकेशन पर क्लिक करें। नए यूज़र यहां पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करें। फिर परिमार्जन प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी जमाबंदी से संबंधित विवरण और जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण, लगान संबंधी विवरण भरना होगा। फिर ऑनलाइन किए जाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। फिर आवेदन करने के लिए आवेदन का
फिर आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रकार और कंप्यूटराइजेशन के लिए छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन को चुनें। फिर अपने जिला अंचल को चुनकर प्रोसेस बटन पर क्लिक करें। फिर यहां मांगी जा रही जरूरी जानकारी को भरते हुए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ें। फिर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको एक रसीद मिलेगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का रास्ता हुआ साफ। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन नियोजित शिक्षकों को 15 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक शिक्षा विभाग नए विद्यालयों में योगदान करवा देगी। नए स्कूलों में योगदान के लिए 1 अगस्त से जिला स्तर पर इनकी काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें जल्द ही राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। जिलों में मौजूद बालू खनिज के स्टॉक की होगी जांच। थियोडोलाइट से जिलों में उपलब्ध बालू खनिज के स्टॉक की जांच की जाएगी। इसकी जांच खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा की जाएगी। सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य की नदियों से बालू का खनन बंद है। बालू खनन पर यह रोक 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। जब तक बालू खनन पर रोक लगाई गई है, तब तक के लिए बालू के स्टॉक निर्माण एजेंसियों से लेकर आम लोगों के लिए बालू की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। लेकिन जिलों में मौजूद सरकारी बालू की चोरी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने ये कदम उठाए हैं। जाने वेटिंग टिकट पर GNWL और RLWL में अंतर। आपने अक्सर ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान वेटिंग टिकट में GNWL और RLWL कोड को देखा होगा। क्या आपको दोनों कोड के बीच का अंतर पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यदि आप ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से टिकट बुक करते हैं लेकिन आपको कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आपके वेटिंग टिकट पर GNWL कोड लिखा होता है। वहीं RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये कोड वाला टिकट तब मिलता है जब आप किसी दो बड़े स्टेशनों के बीच के स्टेशन से टिकट लेते हैं, तो सीट फुल होने की स्थिति में आपके वेटिंग टिकट पर इस तरह के कोड लिखे आते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी को लेकर हुआ संशोधन। बिहार के सरकारी स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी को लेकर संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद बिहार के सभी सरकारी स्कूल अब मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को बंद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर 17 जुलाई को अवकाश की घोषणा की गई है। बिहार में पैक्सों के चुनाव सही समय पर होंगे आयोजित। बिहार में पैक्सों के चुनाव सही समय पर हो सके इसके लिए तैयारी तेज चल रही है। पैक्सों के चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की तरफ से करवाए जाएंगे। प्रदेश में 8463 पैक्स हैं जिनका कार्यालय दिसंबर में खत्म हो रहा है। सभी पैक्सों में 1,40,00,000 सदस्य हैं। पैक्सों के चुनाव सही समय पर करवाने को लेकर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बयान दिया है। उनके मुताबिक विभागीय स्तर पर इसके लिए कार्रवाई चल रही है। शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को करेगा लागू। शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को 15 अगस्त को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर से शुरू किए जा रहे हैं ताकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जग सके। इसके अलावा सभी स्कूलों में क्लास 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों में से हर महीने एक एक पाठ का माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत भेजे जाएंगे। ये चक्र पाठ्य पुस्तकों में समाहित सभी शीर्षकों से संबंधित प्रोजेक्ट पर पूरे होने तक चलता रहेगा। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के सिम कार्ड को ऐसे BSNL में करवा सकते हैं पोर्ट। देश में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स जब से महंगे हुए हैं, तब से कई लोग अपने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को BSNL में स्विच करवाना चाह रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1900 पर मैसेज करना होगा। इसके लिए आप पोर्ट PORT लिख कर स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर इसे 1900 पर SMS सेंड कर देंगे। फिर उधर से रिटर्न में आपको एक UPC यानी यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा। फिर इसे एक फ़ोटो और आधार कार्ड के साथ BSNL के कस्टमर सर्विस सेंटर पर ले जाएं। इसके बाद आपको आपका BSNL का सिम मिल जाएगा। बिहार में PM उच्च शिक्षा अभियान PM उषा को लागू करने की मिली मंजूरी। नीतीश कुमार की कैबिनेट में प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PM उषा को लेकर बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसे मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र से अगले 2 सालों में राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में 600 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर पीएम ऊषा को 2023 में ही शुरू किया गया था। हालांकि बिहार में इस अभियान को अभी स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के लिए विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। संजीव मुखिया के जमानत याचिका पहुंची सीबीआई कोर्ट, बढ़ सकती है मुश्किलें। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका का मामला सीबीआई कोर्ट ट्रांसफर होने से इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। लोअर कोर्ट से सारे कागजात सोमवार को इस मामले में डेट पड़ने की वजह से सीबीआई कोर्ट को भेज दिया गया। अब सीबीआई कोर्ट 2 में संजीव मुखिया की बेल की सुनवाई होगी। संजीव मुखिया इस मामले में अभी फरार चल रहा है। उसने कोर्ट को एक लिखित आवेदन में बताया था कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। बीएसएससी द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने पर आक्रोश जाहिर करेंगे अभ्यर्थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय इंटर परीक्षा की तिथि और सिविल कोर्ट द्वारा क्लर्क और चपरासी की परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। परीक्षा में हो रहे विलंब को देखते हुए नाराज छात्रों ने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। पटना के गांधी मैदान में इस मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बीते दिन एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि जल्द ही बीएसएससी द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई तो 24 जुलाई को अभ्यर्थी आक्रोश जाहिर करेंगे। बिहार में मानसून पड़ा कमजोर। बिहार में कई जगहों पर मानसून का असर कम होता दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश की रफ्तार भी अब धीमी पड़ गई है। आज प्रदेश में कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री या 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। आज राज्य के उत्तर भाग और दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। डेंगू से बचाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। डेंगू से बचाव के लिए प्रमंडल के सभी जिले के डीएम, स्वास्थ्य पदाधिकारियों, नगर निकायों और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए पदाधिकारी समेत अन्य विभागों को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि बारिश के बाद डेंगू के प्रसार की आशंका बढ़ गई है, इसलिए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है। यदि रैपिड किट से जांच पॉजिटिव मिले तो एक बार अस्पतालों में एलाइजा आधारित NS1 और IgM किट से जाँच करवाएं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी ये शिक्षण सामग्री। सरकारी स्कूलों के जिन बच्चों का आधार नंबर के साथ ये शिक्षा कोष पोर्टल पर विवरण उपलब्ध है, उन्हें शैक्षिक सामग्री दी जाएगी। ये शैक्षिक सामग्री पहले से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावकों की उपस्थिति में शिक्षण सामग्री किट वितरण समारोह का आयोजन होगा। इसमें पहली कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग स्लेट के साथ एक व्हाइट बोर्ड, 50 पीस चौक व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ 3 डस्टर, 12 रंगों का एक कलर सेट, एक ड्राइंग बुक के साथ एक वाटर बोतल दिया जाएगा। वहीं दूसरी कक्षा के बच्चों को 10 नोटबुक, 10 पीस पेंसिल के साथ एक कटर, एक इरेजर, एक स्केल, एक पेंसिल बॉक्स, एक ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल सेट के साथ एक वाटर बॉटल दिया जाएगा। इसी तरह 5वीं क्लास के बच्चों को भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ शिक्षण सामग्री मिलेगी। इसके बाद 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को एक स्कूल बैग, एक ज्योमेट्री बॉक्स, 3 सेंटीमीटर वाली 2 नोटबुक, एक प्लास्टिक स्केल, अंग्रेजी से हिंदी वाली एक मिनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक अंग्रेजी कर्सिव राइटिंग नोटबुक, 5 पीस पेन और 12 पीस A4 साइज कलर सीट दिए जाएंगे। अब देश के हर कोने में एक ही दाम में मिलेगा सोना चांदी। देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भी अलग अलग रेट हैं। सोने चांदियों की खरीद पर इसमें कई तरह के अलग से टैक्स भी जुड़ते हैं, जिस वजह से हर जगह इसके अलग अलग दाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत सोने चांदियों के एक ही कीमत होंगे। देश के किसी भी कोने में आप सोना चांदी खरीदेंगे कि आपको एक ही कीमत पर दिए जाएंगे। इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी काउंसिलिंग ने भी अपना समर्थन दिया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बढ़ सकती है लालू परिवार की परेशानी। बीते दिन दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को लालू प्रसाद यादव और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मंजूरी के सवाल पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा है। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में लालू परिवार की परेशानी बढ़ सकती है। सीबीआई की तरफ से दायर निर्णायक आरोप पत्र
कंसिडरेशन के स्टेज में है। इसमें लालू परिवार के साथ और भी कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में इन पर केस चलाने से पहले इनके पूर्व विभाग से मंजूरी लेनी जरूरी है। कोर्ट ने इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अब 31 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। टी20 में टीम की कप्तानी के लिए इन 2 खिलाड़ियों का विकल्प आया सामने। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है। अब रोहित के 2 विकल्पों की तलाश की जा रही है। इसमें एक जो बतौर ओपनर उनकी जगह ले सके, साथ ही दूसरा जो उनके बिना टी20 में टीम इंडिया की कप्तानी को संभाल सके। इसके अलावा और 2 साल बाद खिताब बचाने लायक उसमें काबिलियत हो। अब इसी तलाश के बीच पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने कप्तानी के 2 दावेदार बताए हैं। सबा ने सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा है कि पांड्या टी20 में कप्तानी के लॉजिकली अगले विकल्प हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा सूर्य कुमार भी टी20 में टीम की कप्तानी के अगले विकल्प हैं। आपके मुताबिक टी20 का अगला कप्तान किसे बनाना चाहिए, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। आज के दिन वर्ष 1968 में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1937 में भारतीय अमेरिकी कलाकार और प्रिंट मेकर जरीना हाशमी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्री टैबलेट योजना के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार फ्री टैबलेट योजना चला रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। भारत सरकार के नाम पर दावा किए जा रहे फ्री टैबलेट योजना केवल आपको गुमराह करने का एक प्रयास है, इसलिए इस तरह की योजनाओं के झांसे में आने से बचें, साथ ही इसे किसी को भी शेयर करने से बचें। इसकी सत्यता की जाँच भी जरूर करें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्पायर्ड अवार्ड योजना की हुई शुरुआत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्पायर्ड अवार्ड योजना की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। ये योजना बच्चों को साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। साल 2010 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 6ठी से 10वीं तक के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्र छात्राएं अपने आइडिया को बॉक्स में डालते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल इंस्पायर्ड अवार्ड मानक पोर्टल पर स्कूल आईडी से लॉगिन किया जा सकता है। फिर आपके आइडिया को प्रिंसिपल यहां अपलोड करेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी RBI बैंक, ऑप्शन सी है PNB बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। इसका सही उत्तर है PNB बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी अखिलेश यादव, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 6वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी है 13वां। इसका सही उत्तर है 12वां। निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? ऑप्शन है कुसुमपुर, ऑप्शन बी है पुष्पपुरी, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है पावापुरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, कृष्णा भगत, इंद्रा भूषण, करण राज, विनय कुमार, संतु यादव, चंद्रभूषण, निंकी कुमारी, प्रदीप कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, अंकेश कुमार, सत्येंद्र गौतम, मोहम्मद अफसर, प्रमिला कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, आदित्य कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की रात का सवाल है, आपकी यात्रा का सबसे पसंदीदा माध्यम क्या है?
हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।